हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारा सेकंड डे हल्द्वानी के अंदर। कल रात को हम ना ब्लॉग को एंड नहीं कर पाए क्योंकि ना बहुत ज़्यादा थक गए थे और केक भी कट किया था, खूब सारा खा भी लिया था, तो बहुत बढ़िया नींद आई। मतलब जिसे कहते हैं ना बहुत सही तगड़ी वाली नींद। तो अब उठ चुके हैं, सुबह के 10 बज रहे हैं और हमने मंगाया है ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में आपको अगर दिखाऊं तो ये देखो, पराठे और साथ में ऑमलेट। तो ये देखो कितना बढ़िया गरमा गरम। सो आर यू एक्साइटेड? यार मेरे को तो वैसे ही भूख नहीं है। रात में इतना सारा पिज्जा खा लिया था, फिर सुबह अभी बिस्किट खा लिए, तो ये तो वैसे मंगा है मम्मी पापा के लिए। हाँ, पापा को सबसे ज्यादा भूख तो है भाई। भूख तो है भाई, क्योंकि रात में तुमने तो पिज्जा खाया, हमने तो नहीं खाया रात में मिडनाइट में, इसलिए भूख तो अपनी जगह पर है। यस, और फिर टाइम भी बहुत हो गया। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था ना, हमने पिज्जा मंगाया था और उसके साथ में ना एक पिज्जा हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया था। सो जब हम रात को 2 बजे थे ना, 2 बजे थोड़ी थोड़ी भूख लग गई थी, हमने वो वाला पिज्जा भी भसक लिया, खा गए वाला पिज्जा भी। तो जी दोस्तों, अब चल रहे हैं फाइनली दिल्ली की तरफ। सारा का सारा सामान पैक कर लिया है, सब कुछ रख लिया है, अब बस गाड़ी में डालना है। तो कुछ सामान यहाँ पे है, कुछ सामान पापा मम्मी वाले रूम में है, तो सारा लेकर के आप बस गाड़ी में डालते हैं। एंड शॉन इज थिंकिंग कि आप ड्राइव करने वाले हैं। यस राइट, तो चलते हैं अब दिल्ली की तरफ। बढ़िया ट्रिप रहा ये वाला भी, सो नाइस। ये जो यहाँ के कमरे हैं, ये होते हैं कार्ड बेस्ड, जो इनका लॉक होता है। और अगर भैया कार्ड अंदर रह जाए और आप कमरे से बाहर आ जाओ और बंद कर दो दरवाजा, और बंद कर दो मतलब अगर करो नहीं हो जाए, और अगर हो जाए ना तो मतलब आप उसके अंदर नहीं आ सकते फिर। तो अब यही हुआ कि हमने यहाँ पे बुक करे थे 2 रूम्स, जैसे मैंने आपको दिखाया था। तो मैं और शरण तो चले गए मॉम डैड के रूम के अंदर, चाय पी रहे हैं वहीं पे, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ले एक, यहाँ पे लाइट बहुत जाती है। के कार्ड एक्चुअली वहीं पे ही था, तो मेरे को चाहिए था मोबाइल का चार्जर क्योंकि मोबाइल को चार्ज करना था। मैंने वहां से कार्ड लिया, इस रूम में आया, मोबाइल का चार्जर लिया और मैंने कार्ड ना यहीं पे लगा दिया कि यार ऑन रहेगा, कोई बात नहीं। रूम को मैंने ना मतलब आधा वो क्लोज किया था डोर उसका, और मैं उस वाले रूम में चला गया। भाई थोड़ी देर में मेरे को वापस आना था, जैसे आया रूम पूरा बंद। हाँ। मतलब जाए तो जाए कैसे, बंद किसने किया? फिर लकीली एक भैया मिल गए, फिर भैया को बोला भैया ये रूम खुलवा दो। तो फिर भैया नीचे गए, उन्होंने ना एक वो होता है कंप्यूटर पेस्ट होता है, हाँ। उसके अंदर कोई भी आप चिप ले लो, कोई भी कार्ड ले लो, और जो नंबर होता है ना वो सारे नंबर के ऊपर वो चढ़ा देते हैं। हाँ। मतलब जो आपका दूसरा नया वाला कार्ड है वो इस वाला रूम का कार्ड बन जाता है। भैया आया, भैया ने खोला, टक से खोल दिया। भैया सही है यार, ये सिस्टम बढ़िया है। गाइस हमने पैक कर लिया सारा का सारा सामान, मैं आपको सामान दिखा दूं कितना सारा है। ये देखो पूरा का पूरा घर आ जाता है उठकर, पूरा का पूरा घर। हाँ। एक तो ये रहा, और ये भी तो है, इसमें अपना गिम्बल, और ये अपना लैपटॉप का बैग, ये भी हमारा बैग, मतलब इसमें सारे कपड़े वगैरह, इधर भी कपड़े, इसे भी कपड़े, इसे भी कपड़े, ये कैमरे का बैग। तो देख लो कितना सारा, खाने पीने का बैग। हाँ, खाने पीने का बैग। तो जी ले लिए हमने अपने दोनों कार्ड्स रूम के, और चलते हैं अब नीचे। बड़ा सुंदर बना रखा है ना गाइस, बहुत बढ़िया। यहाँ से भी व्यू दिखता है, देखो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। भाई बारिश हो रही है तगड़ी, वो देखो वो खड़ी हमारी गाड़ी। अच्छा है कल शादी में नहीं हुई बारिश। हाँ शादी में नहीं हुई, और देखो पहाड़ दिख रहे हैं कितने मस्त। वाह ओ बेटे, अब देखा हल्द्वानी के पहाड़। वाह मौसम तो बहुत गजब का हो रहा है। चल तो नीचे चलते हैं, यहाँ पे लिफ्ट भी है वैसे, but we prefer to go with the stairs. भाई बारिश के अंदर सामान भरा जा रहा है गाड़ी में। शॉन बैग करके ले आए हैं यहीं पे होटल के पास ही, तो ये रहा वो रहा सारा सामान। एंड तो जी सामान हो चुका है पैक सारा, मतलब बहुत दिक्कत तो आई, इतना सारा सामान वो भी फूड स्पेस के अंदर भरना बहुत मुश्किल था। पीछे देखिए कैसे मतलब बीच के बीच बीच में रख रखा है हमने सारा सामान। अब हमारी एक चीज रह गई, बाल मिठाई लेनी थी हमने। बाल मिठाई कहाँ से मिलेगी हल्द्वानी की। वाह जी वाह, क्या बारिश हो रही है भाई साहब, बहुत बढ़िया। सो अभी मैंने यहाँ पे बीकानेर वाला स्वीट्स है यहाँ पे रोकी है, वैसे तो ये दिल्ली के अंदर ही मिल जाता है, बट देखते हैं कि पापा को कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। वो आ रहे हैं, नहीं नहीं खाली हाथ आ रहे हैं, शायद से कुछ नहीं मिला। पूछता हूँ अभी कुछ मिला कि नहीं मिला। यहाँ पे जो वैसे लोकल स्वीट्स वाले हैं ना उन्हीं के पास मिल सकता है, नहीं मिला लग रहा
है भाई साहब, कह रहा बाल मिठाई खत्म हो गई, बाकी सब कुछ है। ओ तेरे, और वही सबसे ज्यादा चलती है यहाँ पे, चलती है सिर्फ जो डिब्बे पड़ी थी, कह रहा सिर्फ डिस्प्ले की बची हुई थी। ओ कोई नहीं, कहीं और पता कर दे, स्टैंडर्ड से ले लो। अच्छा स्टैंडर्ड स्वीट, ठीक है, स्टैंडर्ड स्वीट्स पे चलते हैं। तो जी आ गई है बाल मिठाई, वो भी स्टैंडर्ड स्वीट से, यहाँ की सबसे फेमस। तो मिल गई आपको, पकड़ना एक पॉट लाओ लाओ, एक एक किलो के दो डब्बे लाओ। और एक कोई बंगाली मिठाई है, हमें स्पेशलिटी है, मैंने कहा दे दो यार। अच्छा जी, पता नहीं क्या सैंडविच, छेना सैंडविच करके कुछ बता रहा है। अच्छा, छोटे छोटे से, ये जो ऊपर के डब्बा है छोटा सा, ओ ये वाला, ये तो खाना बनता है, ये तो एक एक गिफ्ट बॉक्स कितना लग रहा है, ये तो खाना बनता है, पसंद आया रिच। अरे वाह, ये क्या चीज है भाई, ये क्या कहते हैं इसको, क्या बताया था इसका कोई बंगाली डिश बताई थी। अच्छा, इनका लोगो हल्दीराम जैसा नहीं है कितना सही में, खा के दिखाओ, सिमिलर है, खा के दिखाओ भाई तो पता चलेगा। बढ़िया, मीठी है के मीठी है। अच्छा, जैसे रसगुल्ला होता है ना, हाँ ऐसे, ये पोर्शन पूरा चाशनी में है और ऊपर ये शायद खोया लगा हुआ है। अरे वाह वाह भाई वाह, तुम भी खा गए, ओहो मम्मी भी खा रही, मैं भी खाऊं, थोड़ी सी खाऊंगा मैं, थोड़ा सा टुकड़ा मिल जाए, थोड़ा बड़ा मत खाओ। हाँ चलो खा के देखते हैं। ये तो भूल गई, मतलब ना जुमा पे रखते ही। क्या बताया था, कुछ पैटी, पैटी करके बताया था, पैटीज इसको ना थोड़ा केक जैसा वो है, थोड़ा सा केक, उसमें कुछ मीठे मीठा चीनी से, बंगाली मिठाइयां होती है ना, बंगाली मिठाइयों को क्या शीरे में ज्यादा डुबो देते हैं, ऐसे रसगुल्ला उस तरीके से, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगर आप लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे स्टैंडर्ड स्वीट से ही लें, कोई भी मिठाई लेनी हो। खतरनाक सड़क भाई साहब, बिल्कुल खतरनाक, पॉटहोल्स ही पॉटहोल्स है, शायद से हमने ना गलत रास्ता ले लिया है, और ऊपर से बरसात कंटिन्यूस हो रही है। और यहाँ पर तो क्या है कि बड़े बड़े ट्रक्स बहुत निकलते हैं, तो डामर जो है वो कच्चा हो जाता है, फिर उसमें से जो उसका सड़क को जोड़ने वाला जो पदार्थ है वो खराब हो जाता है, और फिर ये पॉटहोल्स बन जाते हैं। अब शायद सही बढ़िया है इसके बाद, हाँ, या तो फिर वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली सड़क डाली जाए, जिसको ये लोग कहते हैं कि 100 साल तक चलेगी, 100 नहीं 10 साल तो चलेगा कम से कम, यही फिर धस जाती है नीचे, गाड़ी अंदर चली जाती है। यस, वो नीचे धसने वाला खेल अलग होता है, हाँ वो तो मिट्टी कहीं से पानी का सोर्स बना तो अपनी जगह बना लेती है, वहाँ पे कोई नाला सा बन गया कुछ है, गाड़ी चलती रहती है, वो फिर एकदम से गिरती है, क्योंकि बेसिकली ऊंची सड़कें होती नहीं है ना, मिट्टी का मलबा डालते हैं उसको फिर ऊंचा बनाया जाता है, कहीं के उसमें गैप रह जाता है। तो जी ये आ गए लाल कुआं, लाल कुआं तो नहीं मुझे दिख रहा है, स्काई नेट लाल रंग का एम्बुलेंस भी लाल रंग की, एम्बुलेंस लाल रंग की, ऐसे नहीं कर सकते, वैसे लाल कुआं है, लाल कुआं, और फिर मेरे जो कपड़े लाल है, लाली तेरे लाल की चित देखो तित लाल, लाल कुआं देखने गए थे हम भी हो गए लाल, तो आप यहाँ छोड़ दे लाल कुएं में। भाई मेरे सर पे ना डाल दे, भाई साहब जीसी भी वाला। Rainy days don't seem so wet. Sean sab ye road I think far far better hai na? Better hai. अभी भी ये वो वाला टोल वाला रास्ता नहीं आया है। अच्छा टोल वाला नहीं है, नहीं, पर फिर भी बेटर है, फिर भी बेटर है, और जो भी जिस जगह से होकर के आ रहे हैं वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल है।
राइट मेट्रो मॉल दिल्ली यस दिल्ली और अभी बज रहे हैं 5:35 बिल्कुल सही कहा जी आपने यस तो हम 12 बजे चले थे तो अप्रोक्सीमेटली 5.5 घंटे लगे हमें यहाँ दिल्ली आने और भाई सुबह के बस पराठे खा रहे थे और ये तो देखिए कि खाने के लिए आए कुछ खाए ही नहीं क्या खाया सुबह के पराठे के बाद क्या खाया नमकीन खाया और देखिए कंटिन्यूस वाइपर चले आ रहे सुबह से तो देखिए जी ये आ गई जी मेट्रो मॉल क्योंकि यहाँ पे हल्दीराम भी है यहाँ पे डोमिनोज भी है मिट्टी भी है और यहाँ की चमक भी अलग है आ चुके हैं हम घर पूरी ट्रिप के बाद ये देखो सब थके हुए और ये देखो ड्राइविंग कर किया है क्या बताओ भाई कैसा रहा फिर ट्रिप पूरा देखो ट्रिप जो है ना आधा अच्छा था आधा बेकार था बेकार इसलिए था क्योंकि आधा जो रास्ता था ना हमारा इतने ज्यादा पॉट होल्स आपने देख ही लिए होंगे ऑलरेडी वीडियोस के अंदर इतने ज्यादा पॉट होल्स बिल्कुल गाड़ी कभी यहाँ से बचाओ कभी वहां से बचाओ फिर उसके बाद जाकर के थोड़ी अच्छी रोड मिली तो उसके बाद बारिश ऐसी बारिश मिली है कि हम 12:05 पे हम चले 5:30 हम दिल्ली आए हैं और कंटिन्यूसली बारिश और अभी भी अगर आप बाहर देखोगे ना तो बारिश हो रही है हाँ जैसे कि बहुत तगड़ी बारिश बहुत ज्यादा हो रही है भाई सारा सामान फैला हुआ है तो अब इसको सारा सामान है कुछ ऐसा है कि हमने बहुत सारे कोरियर ऑर्डर कर रखा था मतलब बहुत सारा सामान ऑर्डर कर रखा था ये ऑर्डर कर रखा था वो ऑर्डर कर रखा था तो देखो क्या मंगाया हमने मंगाया है एक मिक्सर मतलब बहुत छोटा सा पोर्टेबल सा मिक्सर है क्योंकि पावर बैंक से चल जाता है और हम लोग को गाने वाने कर गाने होते हैं परफॉर्मेंसेस देनी होती है तो उसके लिए बहुत अच्छा मिक्सर है ये बाकी मैंने ये कुछ अपनी गाड़ियों के लिए ये मंगाया था जो विंडशील्ड वॉशर होता है हाँ। तो ये जो होता है ना मतलब बेसिकली साबुन होता है तो हुंडई की गाड़ी है तो हुंडई का जेन्युइन एक्सेसरी और जो गाड़ी गंदी होगी उसको साफ करने के लिए एंटीसिपेशन अच्छा तो अभी सारा मेस्ट अप है अब फटाफट से चाय पियेंगे और चिल करेंगे राइट।